हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। साइबर थेरेपी के बारे में बात करेंगे आज। साइबर थेरेपी का मतलब है कंप्यूटर के थ्रू जो थेरेपीज होती हैं। तो जो लोग ये थेरेपी करते हैं उन थेरेपिस्ट को हम साइबर थेरेपिस्ट कहते हैं। और ये साइबर थेरेपी का ऑब्वियसली नाम से जैसे आपको पता चल रहा है कि कंप्यूटर का यूज़ होता है, तो ये इंटरनेट के थ्रू होती है साइबर थेरेपी। और ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी आने के बाद इस टाइप की चीज़ें शुरू हुई हैं। पहले ये सब नहीं होता था, एक तरह से आप कह सकते हो ये बहुत ही रीसेंट डेवलपमेंट है थेरेपी के वर्ल्ड में। अब ये साइबर थेरेपी किन लोगों के लिए होती है? साइबर थेरेपी उन लोगों के लिए होती है जो बहुत ही रिमोट एरियाज़ में रहते हैं, जहाँ पे इजीली कोई भी थेरेपिस्ट या कोई मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है। एंड दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ फिजिकल डॉक्टर्स और मेडिकल डॉक्टर्स अवेलेबल। तो उनके केस में साइबर थेरेपी थ्रू इंटरनेट जो है वो थोड़ी सी बेनिफिशियल रहती है। इसको हम उतना ज़्यादा बेटर नहीं कह सकते जो फेस टू फेस थेरेपी हम लेते हैं नॉर्मली। जो भी हमने थेरेपीज़ की अभी बात करी, फेस टू फेस थेरेपीज़ होती हैं, वो उतना ज़्यादा बेटर नहीं कह सकते हैं। बट सपोज़ अगर किसी के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो उसके केस में साइबर थेरेपी एटलीस्ट इट इज़ लाइक अ होप। तो ऑल दो द मेथड ऑफ डिलीवरी मे हैव द एडवांटेज ऑफ लोअर और नो कॉस्ट। इसमें क्या है, एक तो कॉस्ट लोअर होती है, मे बी नो कॉस्ट भी हो सकता है। क्या पता कि कोई थेरेपिस्ट हो ऐसे जो बिना कॉस्ट के फ्री में भी आपको हेल्प करने को तैयार हो जाए, बिकॉज ऑलरेडी वो आपको फेस टू फेस नहीं हेल्प कर पा रहे हैं। और अवेलेबिलिटी ऑफ थेरेपी अपॉर्चुनिटीज़ फॉर दोज अनएबल टू गेट अ थेरेपिस्ट ईजीली। तो सबसे बेटर, जो सबसे बेस्ट इसकी एडवांटेज ये है कि अगर आप रूरल एरिया में रहते हो, किसी रिमोट एरिया में रहते हो जहाँ पे थेरेपिस्ट नहीं है, तो वहाँ पे ये आपको एक थेरेपी अवेलेबल कराना इसके थ्रू इजी हो जाता है। यू कैन ऑल्सो एक्सेस टू सपोर्ट ग्रुप्स ऑनलाइन। जो हमने देखा था कि सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, वो भी ऑनलाइन आपके हो सकते हैं। और यहाँ पे एनोनिमिटी बनी रहती है, क्योंकि एक दूसरे का नाम बताना ज़रूरी नहीं होता है, किसी को पता नहीं चलता है। मे बी जैसे अगर आप वीडियो के थ्रू नहीं भी थेरेपी कर रहे हो, तो इसमें आप टेक्स्ट का यूज़ भी कर सकते हो, इसमें आप वॉइस का यूज़ भी कर सकते हो। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको अपने बारे में कुछ बताना पड़े, कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत इजीली मेंटेन हो जाती है। देर इज़ नो गारंटी दैट साइबर थेरेपिस्ट हैज़ एनी क्रेडेंशियल्स और ट्रेनिंग इन साइकोथेरेपी। तो कुछ डेंजर्स भी हैं इसमें, जैसे सपोज़ आप किसी से साइकोथेरेपी करवा रहे हो और वो साइबर थेरेपी के थ्रू करवा रहे हो, मे बी इंटरनेट से आप किसी से डिस्कस कर रहे हो अपनी प्रॉब्लम, तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि जो साइबर थेरेपिस्ट है जो आपको गाइड कर रहा है, उसने पहले कभी किसी को इस तरीके से ट्रेनिंग दी है या वो बहुत क्वालिफाइड है। ये सब चीज़ें चेक करना, उसकी क्रेडेंशियल्स चेक करना बहुत मुश्किल हो जाता है, वो ऑथेंटिक है कि नहीं है, ये सब चीज़ें चेक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऑल दो सम थेरेपिस्ट यूज वॉइस और वीडियो और सम काइंड ऑफ टेक्स्ट बेस्ड चैट। जैसे मैंने बोला कि वॉइस के थ्रू भी हो सकती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी हो सकती है, और टेक्स्ट बेस्ड चैट भी हो सकती है टेक्स्टिंग के थ्रू। फेस टू फेस नहीं होता है ज़रूरी यहाँ पे कि आप वीडियो के थ्रू एक दूसरे को देख के फेस टू फेस करो, और वॉइस टू वॉइस भी कई बार नहीं होता है। इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं थेरेपिस्ट को। थेरेपिस्ट को क्या प्रॉब्लम आती है, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज को नोट नहीं कर पाता, वो आपकी वोकल टोन्स को नोट नहीं कर पाता, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज से हमें बहुत चीज़ें पता चलती हैं। वोकल टोन्स, हमें बात करने के जेस्चर से, वोकल हमारी आवाज़ की टोन से बहुत चीज़ें पता चलती हैं। वो सब चीज़ें नहीं पता चल पाती थेरेपिस्ट को। क्लाइंट की इमोशनल स्टेट के बारे में नहीं पता चल पाता, साइकोलॉजिकल स्टेट के बारे में मतलब टाइम लगता है, बहुत मुश्किल हो जाती है। जो चीज़ फेस टू फेस में होती है वो चीज़ इसमें टाइम लग जाती है, क्योंकि ये आप अपने फ़ोन पे या अपने इंटरनेट के थ्रू किस तरीके से बात कर रहे हो, आपके क्या एक्सप्रेशंस हैं, हो सकता है आप बोल कुछ और रहे हो लेकिन आपके एक्सप्रेशंस कुछ और बता रहे हो, ये चीज़ें नहीं पता चलती हैं। तो बहुत सारे इसमें स्ट्रेंथ हैं, वीकनेसेस हैं। मतलब स्ट्रेंथ तो मेनली यही है कि एटलीस्ट ये उन लोगों की हेल्प कर पा रही है साइबर थेरेपी, जिन लोगों के पास बिल्कुल ही एक्सेस नहीं है थेरेपिस्ट की। बाकी वीकनेसेस बहुत हैं, इसको ऑब्वियसली हम नॉर्मल फेस टू फेस थेरेपी से कंपेयर नहीं कर सकते। फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन ऑन दिस सब्जेक्ट, एन एक्सीलेंट लिस्ट ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ साइबर थेरेपी कैन टेक द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ ईच हैज़ बीन डेवलप्ड बाय डॉक्टर एजी बैराक, अ साइकोलॉजिस्ट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ
हाइफा इन इज़राइल एंड एक्सपर्ट इन इंटरनेट साइकोथेरेपी। तो यहाँ पे इन्होंने डॉक्टर हैं, डॉक्टर बैरक, उन्होंने इसके बारे में पूरा एक डिटेल्ड वो करा हुआ है, एक्सप्लेन इन्वेस्टिगेशन करी हुई है, क्योंकि वो खुद भी एक एक्सपर्ट इंटरनेट साइकोथेरेपिस्ट है। अ ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स इन जर्मनी फाउंड दैट पीपल हु वर ट्रीटेड एज इन पेशेंट्स एंड देन अलाउड टू मीट विद अ ग्रुप थेरेपिस्ट इन एन इंटरनेट चैट रूम शोड अ सिग्निफिकेंटली लोअर रिस्क ऑफ नेगेटिव चेंजेस इन देयर मेंटल स्टेटस देन अ कंट्रोल ग्रुप। तो इसके एडवांटेजेस में ये देखा गया है कि जर्मनी में कि जिन लोगों को पहले ट्रीट किया जाता था इन पेशेंट मीन्स जैसे कोई डॉक्टर्स या थेरेपिस्ट हैं अपने पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं, उसके बाद उनको बोला गया कि आप एक ग्रुप थेरेपी इंटरनेट पे ज्वाइन करो, तो उसमें उनको मेंटल स्टेटस में चेंजेस आने के रिस्क बहुत कम थे एज़ कम्पेयर टू कंट्रोल ग्रुप। द ड्रॉप आउट रेट फ्रॉम द इंटरनेट, मतलब उसमें फ़र्क ये था कि मेंटली उनको थोड़ा सा हेल्प मिल रही थी, प्लस ड्रॉप आउट रेट भी बहुत कम था। ड्रॉप आउट मीन्स छोड़ के चले जाना थेरेपी, वो भी बहुत कम था। मोस्टली इंटरनेट पे लोग अटेंड करते थे चैट रूम सेशंस में, और क्योंकि वहाँ पे थोड़ी सी प्राइवेसी मेंटेन रहती है, और अगर आपको जैसे इट इज़ ईज़ ऑफ यूजिंग कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर यूज़ करना अगर आता है तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है कि वो इंटरनेट के थ्रू ग्रुप थेरेपीज अटेंड कर ले। तो ये एक वायबल ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो अपनी थेरेपी कंटिन्यू रखना चाहते हैं। जैसे आपकी सिंगल इंडिविजुअल थेरेपी ख़त्म हो गई है लेकिन आप फिर भी चाहते हो कि आप कंटिन्यू ये सेशन अटेंड करते रहो, तो उसमें इंटरनेट के थ्रू आप ये चीज़ कर सकते हो। तो दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ दिस पर्टिकुलर थेरेपी। अब इसके आगे देखेंगे बायोमेडिकल थेरेपीज। बायोमेडिकल थेरेपीज मतलब कि जिसमें आप मेडिकल ट्रीटमेंट्स इंक्लूड कर देते हो, जैसे मेडिकल डॉक्टर्स करते हैं। सो जो थेरेपिस्ट होते हैं जिनकी पर्सपेक्टिव बायोलॉजी की तरफ ज़्यादा होता है, वो लोग अपनी थेरेपी में बायोमेडिकल थेरेपीज ज़रूर इंक्लूड करते हैं, और कई बार दूसरे थेरेपिस्ट भी बायोमेडिकल ट्रीटमेंट्स का यूज़ करते हैं जब उन्हें लगता है कि पेशेंट को ज़रूरत है मेडिकल ट्रीटमेंट की। सो एज मेडिकल डॉक्टर साइकेट्रिस्ट आर ऑलमोस्ट इनएविटेबली बायोलॉजिकल इन पर्सपेक्टिव। अभी हम जानते हैं ना कि साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट में क्या फ़र्क होता है। साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो मेडिकल ट्रीटमेंट्स का यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज दे डोंट हैव अ डिग्री ऑफ यूजिंग मेडिकल इक्विपमेंट्स, और लेकिन जो साइकेट्रिस्ट होते हैं वो अपने थेरेपी में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशंस को लेके थेरेपी कर रहे होते हैं, तो उस केस में उनको अलाउड होता है, उनके पास डिग्री होती है, वो ट्रेंड होते हैं बायोमेडिकल थेरेपीज यूज़ करने में। तो क्योंकि उनका टोटली बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव होता है, ऑब्वियसली उन्होंने डॉक्टर्स की तरह पढ़ाई की होती है, तो उनके बायोलॉजिकली उनका जो ओरिएंटेशन है वो ज़्यादा होता है, तो वो अपनी थेरेपी में बायोमेडिकल थेरेपीज का यूज़ करते हैं। एंड बायोमेडिकल मतलब कुछ ऐसी थेरेपीज जो डायरेक्टली आपके बॉडी के फंक्शन और ब्रेन को अफेक्ट करे, तो उस टाइप की थेरेपीज होती है। जैसे इसके अंदर ड्रग थेरेपी आ जाती है, इसके अंदर शॉक थेरेपी आ जाती है, इसके अंदर सर्जिकल ट्रीटमेंट्स आ जाती हैं, तो इनको बोलते हैं बायोमेडिकल थेरेपीज। तो जैसे टोटली डॉक्टर्स करते हैं इलाज, वैसे ही जब हम थेरेपी में बायोमेडिकल इसका टर्म्स का यूज़ करते हैं, जैसे ड्रग थेरेपी हो गई, शॉक थेरेपी हो गई और सर्जिकल ट्रीटमेंट्स हो गए। तो सबसे पहले इसमें आती है साइकोफार्माकोलॉजी। तो साइकोफार्मा मींस इसमें कुछ मेडिसिंस इन्वॉल्व होती हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए। द यूज़ ऑफ ड्रग्स टू कंट्रोल और रिलीव सिम्टम्स ऑफ अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। ये ट्रीटमेंट किसी बायोलॉजिकल डिसीज़ की नहीं हो रही है, यहाँ पे ट्रीटमेंट हो रही है साइकोलॉजिकल डिसीज़ की, लेकिन यूज़ हो रहा है मेडिसिंस का, ड्रग्स का यूज़ हो रहा है। सो ऑल्दो दीज ड्रग्स आर यूज्ड अलोन, दे आर मोस्ट ऑफन कंबाइंड विद सम फॉर्म ऑफ साइकोथेरेपी। तो यहाँ पे क्या है कि साइकोथेरेपी के साथ भी आप कंबाइंड कर सकते हो, क्योंकि थेरेपी किस लिए हो रही है, क्योंकि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। लेकिन अगर वो इतनी सीरियस है कि सिर्फ थेरेपी से इलाज नहीं हो पा रहा है, तो उसके साथ आप उसको मेडिसिंस भी दे सकते हो, तो दोनों चीज़ें कंबाइंड हो सकती हैं। किस तरह के डिसऑर्डर सबसे ज़्यादा इस तरह की चीज़ों में करे जाते हैं ट्रीट, जैसे साइकोटिक डिसऑर्डर्स होते हैं ना, जिसमें टोटली रियलिटी से बिल्कुल ही कनेक्शन टूट जाता है पेशेंट्स का। एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स हो गए, मेनिक फेज हो गया मूड डिसऑर्डर का, जब बाइपोलर में जब मेनिक फेज चल रहा होता है, जब बहुत ज़्यादा इलेटेड फेज चल रहा होता है, डिप्रेशन हो गया। तो ये ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसमें कई बार बहुत डीप सीरियस प्रॉब्लम होने की वजह से मेडिसिंस भी देनी पड़ सकती हैं। फिर आते हैं एंटी साइकोटिक ड्रग्स।
ड्रग्स जो यूज करते हैं साइकोटिक सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए, एंटी साइकोटिक बोलते हैं उसको। साइकोटिक सिम्टम्स में कौन से आ जाते हैं? मैंने बोला साइकोटिक का मतलब होता है जब हम रियलिटी से हमारा कनेक्शन टूट जाता है, जैसे जिन लोगों को हेलुसिनेशंस होते हैं, डिल्यूजन्स होते हैं, बिजार बिहेवियर होता है, ये सारे सिम्टम्स हैं साइकोटिक। और इनको ट्रीट करने के लिए जो ड्रग्स यूज होते हैं दे आर कॉल्ड एंटी साइकोटिक ड्रग्स। सो देर आर थ्री कैटेगरीज ऑफ ड्रग्स, तीन टाइप की कैटेगरीज हैं ड्रग्स की। एक है टिपिकल न्यूरोलेप्टिक्स। न्यूरोलेप्टिक वर्ड का मतलब है इट इज़ चेंजिंग समथिंग इन द न्यूरॉन, न्यूरॉन में कुछ चेंज करने के लिए यूज हो रहा है तो इसको न्यूरोलेप्टिक बोला जाएगा। टिपिकल न्यूरोलेप्टिक, ए टिपिकल न्यूरोलेप्टिक। सेकेंड, पार्शियल डोपामाइन एगोनिस्ट। तो ये तीन कैटेगरीज हैं पार्शियल डोपामाइन एगोनिस्ट। तो जो फर्स्ट ऑफ द टिपिकल न्यूरोलेप्टिक है जो डेवलप हुए थे दैट वाज क्लोरोप्रोमेजीन, क्लोरप्रोमेजीन, नॉट क्लोरो, इट्स क्लोरप्रोमेजीन। सो द फर्स्ट टिपिकल न्यूरोलेप्टिक टू बी डेवलप, पहला जो टिपिकल न्यूरोलेप्टिक यानी कि ये वाली कैटेगरी का जो ड्रग है पहला जो डेवलप हुआ था वो था क्लोरप्रोमेजीन। द टर्म न्यूरोलेप्टिक कम्स फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड न्यूरोलेप्टिक। तो न्यूरोलेप्टिक वर्ड एक फ्रेंच वर्ड से आया है न्यूरोलेप्टिक, विच मीन्स टू हैव एन इफेक्ट ऑन न्यूरॉन्स। तो मैंने जैसे बताया न्यूरोलेप्टिक का मतलब है न्यूरॉन्स में कुछ चेंजेस होने होते हैं इसको लेने से। ये लिस्ट डाउन करा हुआ है नीचे इन्होंने सारे ड्रग्स को, अभी हम इस पे भी आएंगे। दीज ड्रग्स वर्क बाय ब्लॉकिंग सर्टेन डोपामाइन रिसेप्टर्स इन द ब्रेन। तो ब्रेन में कुछ न्यूरॉन्स में जो डोपामाइन रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर मींस अगर ये आपका न्यूरॉन है इसके डेंड्राइट्स हैं जहाँ पे रिसेप्टर सेल्स होते हैं, वहाँ पे जो रिसेप्टर डोपामाइन को रिसीव करते हैं उसको ये ब्लॉक कर देते हैं ड्रग्स। बिकॉज हाउ रिड्यूसिंग द इफेक्ट ऑफ डोपामाइन इन दिस सिनाप्टिक ट्रांसमिशन। तो डोपामाइन का इफेक्ट कम करने के लिए, हमने स्किज़ोफ्रेनिया में ये पढ़ा था कि पॉजिटिव सिम्टम्स दिखते हैं जब डोपामाइन का इफेक्ट बढ़ जाता है, नेगेटिव दिखते हैं जब कम हो जाता है। तो यहाँ पे डोपामाइन को कम करने के लिए उनके रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर दिया जाता है। हाउएवर दे ब्लॉक मोर पाथवेज इन द डोपामाइन सिस्टम देन आर इन्वॉल्व इन द साइकोसिस। विथ प्रोलॉन्ग्ड यूज दे टेंड टू कॉज प्रॉब्लम सच एज टार्डाइव डाइकेनेसिया। तो इसमें क्या है कि कई बार ये रिसेप्टर्स खाली डोपामाइन रिसेप्टर के अलावा और भी पाथवे इसको ब्लॉक कर देते हैं जिसमें नहीं करना होता, क्योंकि ये कई बार दूसरे पाथ दूसरे रिसेप्टर्स पे जाके भी कंबाइन हो जाते हैं। अब वहाँ पे कंबाइन होने की वजह से ये हमें और कोई साइड इफ़ेक्ट भी कर सकते हैं, और ज़्यादा देर अगर इस तरह के ड्रग्स यूज़ किए जाएँ तो इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट होती है जिसको हम बोलते हैं टार्डाइव डाइकिनेसिया। टार्डाइव डाइकिनेसिया में क्या होता है, इट इज़ अ सिंड्रोम कॉजिंग पर्सन टू मेक रिपीटेटिव इनवॉलंटरी जर्क्स। तो कई बार आपने देखा ना कई लोगों के फेस पे या लिप्स पे, लेग्स पे, बॉडी में कुछ झटके से दे बॉडी झटका दे रही होती है बार बार, या बार बार लिप्स से इनवॉलंटरी मूवमेंट हो रही होती है। रिपीटेटिव इनवॉलंटरी मतलब वो जानबूझ के नहीं कर रहे हैं लेकिन अपने आप उनकी बॉडी बार बार मूव कर रही है, तो वो उस तरह की प्रॉब्लम फिर होना शुरू हो जाती है। ये यहाँ पे टेबल इन्होंने दिया हुआ है जहाँ पे इन्होंने क्लासिफाई किया हुआ है साइकोफार्माकोलॉजी ड्रग्स को। तो पहला क्लासिफिकेशन है, पहला कॉलम में पूरी क्लासिफिकेशन है, फिर उनकी ट्रीटमेंट्स है, फिर साइड इफ़ेक्ट है उसके। साइड इफ़ेक्ट्स तो होते ही हैं क्योंकि ज़्यादा देर अगर आप इनको यूज़ करोगे तो ये आपके बाकी रिसेप्टर सेल्स को भी ब्लॉक कर देते हैं, और एग्ज़ाम्पल इन्होंने दिए हुए हैं तो आप ये टेबल ध्यान से देख लो। जैसे टिपिकल पहला यहाँ पे दिया हुआ है टिपिकल न्यूरोलेप्टिक जो ड्रग होता है वो पॉजिटिव सिम्टम्स जैसे जब होते हैं ना, जब बहुत ज़्यादा ही डोपामिन रिलीज हो रहा हो, जो डिल्यूजन्स होते हैं, हेलुसिनेशंस होते हैं। साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, जैसे मैंने आपको बोला कि मोटर प्रॉब्लम्स होती हैं, टार्डाइव डाइकिनेशिया होता है, और इसके एग्जाम्पल ड्रग्स के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं जिसमें से क्लोरप्रोमेजिन सबसे पहला ड्रग था जो बना था। फिर ये ए टिपिकल वाला दिया हुआ है, इसमें भी पॉजिटिव सिम्टम्स और नेगेटिव सिम्टम दोनों को कंट्रोल किया जाता है। इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं जैसे ब्लड डिसऑर्डर हो सकता है, इसके नाम यहाँ पे दिए हुए हैं एग्जांपल में। फिर ट्रैंकुलाइजर्स हैं जो एंग्जाइटी के सिम्टम्स कम करते हैं। ट्रैंकुलाइजर्स तो हमें सबको पता है वो सीडेटिव की तरह काम करते हैं, जिससे थोड़ा बहुत हमें नशे जैसा इफेक्ट होता है और हमें नींद आती है उस टाइप से।
सिडेटिव वही हो जाता है कि हम इस पर डिपेंड हो जाते हैं ट्रैंकुलाइजर पे। जैसे हमें, जैसे कईयों को एडिक्शन हो जाती है, नशे की आदत लग जाती है, वैसे ट्रैंकुलाइजर से भी एडिक्शन हो जाती है कई बार। ये एग्जांपल यहाँ पे दिए हुए हैं इसके। फिर एंटी डिप्रेसेंट हैं जो डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए होते हैं। इसमें इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं, वेट गेन हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम हो सकती है, हेडेक हो सकता है, ड्राउजीनेस हो सकता है, ये सारे साइड इफेक्ट्स हैं, ये एग्जाम्पल है। एंटी डिप्रेसेंट में ट्राईसाइक्लिक्स हैं, ये भी डिप्रेशन के लिए ही हैं। इसके अलग वो हैं, साइड इफेक्ट्स दिए हुए हैं और ये एग्जाम्पल दे रखे हैं यहाँ पे। एंड थर्ड कैटेगरी इज ऑल्सो एंटी डिप्रेसेंट। तो डिप्रेशन के ही तीन कैटेगरीज हैं अलग अलग, इनके तीनों के साइड इफेक्ट्स हैं और ये तीनों के एग्जाम्पल्स हैं। और ऑब्वियसली ये जितने भी ड्रग्स यहाँ पे लिखे हैं, ये इतने ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के या बिना डॉक्टर के प्रिस्क्राइब किए हुए ये ड्रग्स कोई नहीं ले सकता और ना ही लेना चाहिए। क्योंकि इनके जो किसके साथ कॉम्बिनेशन में ये लेना होता है, कब लेना होता है, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसमें। गलती से भी अगर ये बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के ले लिया तो ये बहुत ज़्यादा आपके नर्वस सिस्टम में बहुत डैमेज कर सकते हैं। तो एटिपिकल न्यूरोलेप्टिक्स हैं जो डोपामाइन को सप्रेस करते हैं, जैसे कि हमने टेबल में देखा था। एंड डोपामाइन सप्रेस करने से क्या होता है, साइकोटिक प्रॉब्लम्स कंट्रोल होती हैं। ये सेरोटोनिन रिसेप्टर्स को, जैसे पहले हमने देखा जो टिपिकल वाले थे वो डोपामाइन को ब्लॉक कर रहे थे, ये जो एटिपिकल हैं ये सेरोटोनिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं, जिससे नेगेटिव इफेक्ट्स कम होते हैं। ओकेजनली सम इम्प्रूवमेंट इन मोर नेगेटिव सिम्टम्स। जैसे स्किजोफ्रेनिया, मैंने आपको बताया था स्किजोफ्रेनिया में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। नाउ क्लोजेपाइन एंड ए टिपिकल न्यूरोलेप्टिक कैन कॉज अ पोटेंशली फेटल रिडक्शन इन द वाइट ब्लड सेल्स। तो यहाँ एक इन्होंने एग्जाम्पल दिया है एक ए टिपिकल न्यूरोलेप्टिक ड्रग का, जिसमें क्या है, फेटल रिडक्शन, मतलब आपके वाइट ब्लड सेल में इतनी ज़्यादा रिडक्शन हो सकती है, मतलब वो रिड्यूस कम हो जाएंगे कि आपका इम्यून सिस्टम टोटली ख़राब हो सकता है। तो ये एक ड्रग है जिसको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देना पड़ता है। इन सम केसेस अ पर्सन माइट हैव अ साइकोटिक एपिसोड दैट लास्ट ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स और फ्यू ईयर्स एंड मे नीड ड्रग ट्रीटमेंट ओनली फॉर दैट टाइम, बट इन मोस्ट केसेज स्पेशली इन स्किजोफ्रेनिया दैट स्टार्ट्स इन एडोलोसेंट और यंग एडल्टहुड, द मेडिकेशन मस्ट बी टेकन फॉर द रेस्ट ऑफ द पर्सन लाइफ। तो मेडिकेशन उतनी ही देर दी जाती है जितनी देर प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन स्किजोफ्रेनिया एक ऐसी प्रॉब्लम है जो लाइफ टाइम चलती है, इसीलिए उसको कंट्रोल रखने के लिए लाइफ टाइम मेडिकेशन देनी पड़ती है। लॉन्ग टर्म यूज ऑफ न्यूरोलेप्टिक्स हैज़ बीन एसोसिएटेड विद डिक्रीज इन कॉग्निटिव फंक्शनिंग। तो आपके ब्रेन की कॉग्निटिव फंक्शनिंग में डैमेज होता है, डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि न्यूरोलेप्टिक्स बार बार आपके नर्वस सिस्टम को, जो ब्रेन में स्पेशली जो न्यूरॉन्स हैं आपको उसकी फंक्शनिंग को बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो उस केस में आपकी कॉग्निटिव फंक्शनिंग पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। एंड न्यूरोलेप्टिक्स कॉल्ड पार्शियल डोपामाइन एगोनिस्ट अफेक्ट द रिलीज ऑफ डोपामाइन। तो जो डोपामाइन की रिलीज को अफेक्ट करते हैं उनको बोलते हैं पार्शियल डोपामाइन एगोनिस्ट। एन एगोनिस्ट इन अ केमिकल सब्सटेंस कैन स्टिमुलेट अ रिएक्शन विद सिनेप्स। तो एगोनिस्ट का इन्होंने मतलब दिया हुआ है, जो वर्ड बार बार यूज हो रहा है, इन एनी केमिकल सब्सटेंस दैट कैन स्टिमुलेट अ रिएक्शन विद इन द सिनेप्स। तो सिनेप्स अगर आपको याद हो, दो न्यूरॉन्स के बीच के कनेक्शन को सिनेप्स बोलते हैं, तो उसमें कोई भी रिएक्शन को स्टिमुलेट करने का काम करता है एगोनिस्ट। तो यहाँ पे वो डोपामाइन के रिएक्शन को स्टिमुलेट कर देता है, बिना डोपामाइन रिलीज हुए उसके रिएक्शन को स्टिमुलेट करता है। ओके, द बायल द ओनली वन बाय 2005 द ओनली वन ऑफ दीज ड्रग्स दैट हैड बीन अप्रूव्ड बाय फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन फॉर यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ स्किजोफ्रेनिया वॉज दिस वन। इसका नाम है एरिपिप्रेजोल और इसका ब्रांड नेम है एबिलिफाई। और ये अकेला ही एक ऐसा ड्रग है जो 2005 तक एफडीए ने अप्रूव किया था स्किजोफ्रेनिया के लिए यूज़ करने के लिए। द होप इज़ दैट न्यूअर ड्रग्स विल नॉट ओनली प्रोड्यूस फ्यूअर साइड इफेक्ट बट ऑल्सो हैव लेस इम्पैक्ट। इन वन रिसेंट स्टडी द ए टिपिकल न्यूरोलेप्टिक्स वर ऑल्सो फाउंड टू लोअर द रिस्क ऑफ वॉयलेंट बिहेवियर इन पेशेंट विद स्किजोफ्रेनिया। सो ए टिपिकल न्यूरोलेप्टिक्स का एक और इन्होंने बोला है कि वो वायलेंट बिहेवियर भी कम कर देते हैं स्किजोफ्रेनिया पेशेंट में।
अभी जितने भी यहाँ पे लिखे हैं इसके अलावा अभी और ज़्यादा ऐसे ड्रग्स हैं जो अभी बन रहे हैं, और हो सकता है इन फ्यूचर कुछ ऐसे ड्रग्स आएं जिनसे ये जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ये और कम हो जाए, क्योंकि साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं इन सब ड्रग्स के। तो कोशिश यही चल रही है कि आगे जितने भी ड्रग्स बनते जाएँ इसके उसमें साइड इफ़ेक्ट्स को कंट्रोल करें। अब इसके आगे जो आपका टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे एंटी एंजाइटी ड्रग्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।